नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एंड सक्सेस में। और आज मैं आपके साथ इंग्लिश का एक और मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाला हूं। हरियाणा कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उनको सबसे पहले मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो हाई कोर्ट क्लर्क के इस एग्ज़ाम में इंग्लिश के सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ ग्रामेटिकल एरर के कुछ क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर है जिन सेंटेंस में, उनको डिस्कस करेंगे। जिस भी सेंटेंस में एरर नहीं है, वहाँ लास्ट में ऑप्शन 5 है, नो एरर सही होगा। तो सबसे पहले है, द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट ए वेरी अर्ली एज। तो यहाँ पर जो गलती है वो ऑप्शन 2 में गलती है। द प्रिंस केम टू द थ्रोन आएगा, ना कि ऑन द थ्रोन। जो ऑन का यूज़ है वो यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन जो सेकेंड है उसमें गलती है। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट लंच। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट लंच, इसमें नो एरर है। द रोड इज वर्स्ट देन एनी अदर रोड इन द टाउन। तो यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर जो कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, कंपेयर कर रहे हैं एनी अदर रोड से, तो यहाँ पर वर्स्ट न, क्योंकि ये सुपरलेटिव है और सेकेंड फॉर्म है जो हमें वो यहाँ पर यूज़ करनी है, जो कि है वर्स, WORSC, ठीक है। तो कंपेरेटिव डिग्री सेकेंड वर्स होगी, ना कि वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। इसके बाद है, यू शुड नॉट एयर ओरिजिनल आइडियाज इन एन एग्जामिनेशन। यू शुड नॉट एयर, एयर का मतलब होता है जब हम पब्लिकली कोई अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, तो एयर का यूज़ करना है। बट इन एन एग्जामिनेशन यू शुड नॉट एक्सप्रेस योर ओरिजिनल आइडियाज इन एन एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन 2 में गलती है। When he had got what he wanted, he has gone home. तो जो यहाँ गलती है वो है, when he had got what he wanted, he went home आएगा, ठीक है। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का जो प्रयोग करना है। इसके बाद है, इकोनॉमिक्स आर नाउ ए डेज इंक्लूडेड एज ए सब्जेक्ट इन मोस्ट प्रोफेशनल कॉलेजेस। तो जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स खुद एक सिंगुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो आर का यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पर इज का यूज़ करना है। तो इकोनॉमिक्स इज नाउ ए डेज इंक्लूडेड एज ए सब्जेक्ट इन मोस्ट प्रोफेशनल कॉलेजेस। When I finished my work, I left the house rather abruptly. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, When I had finished my work, left the house rather abruptly. ऑप्शन ए में गलती है। द ड्राइवर एज वेल एज द कार्ट मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। तो यहाँ पर क्या होगा, द ड्राइवर एज वेल एज द कार्टमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। इसके बाद है, देयर वर लेस पीपल इन द हाउस देन दे हैड एक्सपेक्टेड। देयर वर फ्यूअर पीपल, ठीक है, लेस का यूज नहीं किया जाएगा, फ्यूअर का यूज किया जाएगा। देयर वर फ्यूअर पीपल इन द हाउस देन दे हैड एक्सपेक्टेड। इसके बाद है, इफ आई रोट टू माई ब्रदर नाउ, ही विल रिसीव द लेटर टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर यह भी सही है, इफ आई रोट टू माई ब्रदर नाउ, ही वुड रिसीव द लेटर टुमारो मॉर्निंग। ईदर यू और आई आर टू गो टू द डिस्पेंसरी। तो यहाँ पर जो गलती है वो है, ईदर यू और आई एम टू गो टू द डिस्पेंसरी। आई थिंक यू कैन बाय द पेपर इन द इन ए स्टेशनरी शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है वो क्या है, आई थिंक यू कैन बाय द पेपर इन ए स्टेशनरी। स्टेशनरी की यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत है, क्योंकि स्टेशनरी NERY आएगा, NERY, ठीक है, स्टेशनरी। क्योंकि अगर जो ये स्टेशनरी इन्होंने जो लिखा हुआ, इसका मतलब होता है मोशनलेस,
ठीक है। तो स्टेशनरी की स्पेलिंग में गलती है, स्टेशनरी ई आर वाई आएगा ना कि ए आर वाई। ऑफ द टू प्रपोजल्स वी थिंक द फर्स्ट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर जो है हमें जो गलती है वो क्या है, ऑफ द टू प्रपोजल वी थिंक द फर्स्ट इज द मोस्ट की जगह हमको मोर, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री है जो उसका यूज किया जाएगा, मोस्ट नहीं मोर अट्रैक्टिव। आई एम नॉट हंग्री बिसाइड्स आई डोंट लाइक मीट। आई एम नॉट हंग्री बिसाइड आएगा, बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड आई डोंट लाइक मीट। द लेट डिलीवरी ऑफ द गुड्स वॉज ओइंग टू ए स्ट्राइक एट द एयरपोर्ट, एट द पोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, द लेट डिलीवरी ऑफ द गुड्स वॉज ड्यू टू, ओइंग टू की जगह हमको ड्यू टू का यूज करना है, ड्यू टू ए स्ट्राइक एट द पोर्ट। इसके बाद है सम पीपल्स फील दैट विदाउट डिसिप्लिन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ये शायद मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था कि अगर हम पीपल्स लिखें तो उसका मतलब होता है हम किसी राष्ट्र के बारे में, नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीपल्स में ही दिक्कत है, सम पीपल आएगा ना कि पीपल्स। सम पीपल फील विदाउट डिसिप्लिन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन एक्सेस टू गुड रेफरेंस ऑफ बुक्स। देखो एक्सेस इसमें स्पेलिंग में गलत है, स्पेलिंग तो सही है बट यहाँ जो ये वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब होता है अत्यधिक, और यहाँ पर जो होना चाहिए ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस का होता है पहुँच एक तरह से। तो कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सेस पहुँच टू गुड रेफरेंस ऑफ गुड रेफरेंस बुक्स। आई गेस दैट ही वुड नॉट रिटर्न अंटिल ही वुड हैव स्पेंट ऑल हिज मनी। आई गेस He would not return until he had spent, would have का use नहीं किया जाएगा, until he had spent all his money. Do you like to play the football? ये बात याद रखना, जब भी किसी game का नाम, name of any game, sports use किया जाए तो उसके साथ कभी भी कोई भी article का use नहीं किया जाता, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, दा का जो आर्टिकल है नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है। राम सन एंड माई सन इज स्टडिंग इन द सेम स्कूल। राम सन एंड माई सन आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल, आर का यूज करना है, क्योंकि जब भी जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं अगर उनको एंड से ज्वाइन किया जाता है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज की जाती है। सी टोल्ड हर सिस्टर सी इज बिजी। तो देखो सी टोल्ड ये हो गया पास्ट सिंपल, तो उसी में फॉलो करेगा सेंटेंस, सी टोल्ड हर सिस्टर सी वॉज बिजी। तो इसमें होगा सी टोल्ड हर सिस्टर सी वाज बिजी, यहां पर वाज आएगा। इसके बाद है कुछ सेंटेंस हैं जिनमें फिल इन द बैंक्स का यूज करना है, देखना है आपको कौन सा इसमें परफेक्ट होगा। ए वुमेन हैज डैश ए चाइल्ड, बॉर्न ब्रॉट आउट बर्थ टू या बॉर्न। तो यहां पर होगा ए वुमेन हैज बॉर्न ए चाइल्ड। What is expressly forbidden by law is illegal, illicit, unlawful, unconstitutional. What is expressly forbidden by law is illegal. C is the dash of the two. Older, eldest, elder या oldest. C is the elder of two. The measure of the verse is line, stanza, matter, meter. Option D, meter. डैश इज एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर ए कोर्ट ऑफ ए लॉ। तो यहाँ पर होगा समन्स, ठीक है, समन में गड़बड़ी नहीं करनी, गलत ये नहीं करना है। समन्स इज एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। डैश डू यू थिंक सी इज, हु डू यू थिंक सी इज, हुम।
या दैट या विच, तो यहाँ पर होगा हु डू यू थिंक सी इज, एंड डैश इज द वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। ये मैंने वन वर्ड में भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आप मुझे ही बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि इन चारों में से क्या होगा। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स डेथ सेंटेंस। ए कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स ए फुलिशली इनक्रेडिबल स्टोरी, ए डेड लेटर, एन एपिक, या नन ऑफ द एबव। तो ईडियम फ्रेजेस के भी मैंने आपके साथ मॉक टेस्ट कई डिस्कस किए हैं, प्रीवियस आप वीडियोज़ को जाकर के देखें, वहाँ से भी हैं। तो ये है ए फुलिशली इनक्रेडिबल स्टोरी। ए डैश इज वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो उसको कहा जाता है मिसाइंथ्रोप, और फिलाइंथ्रोप कौन होता है, जो लवर ऑफ मैनकाइंड। ही टर्नड डैश टू बी ए चीट, ही टर्नड राउंड, टर्नड अप, टर्नड आउट, टर्नड अवे, टर्नड अपॉन, तो ये होगा ही टर्नड आउट टू बी ए चीट। वी मस्ट कीप डैश द रेपुटेशन ऑफ द फैमिली, वी मस्ट कीप अप, कीप अप द रेपुटेशन ऑफ द फैमिली। हिज आंसर वॉज सच डैश आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, हिज आंसर वॉज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव। हाउ एवर मच यू मे ट्रेवल, यू कैन नॉट नो द कंट्री, यूनिवर्स, पीपल, वर्ल्ड, या रियलिटी। हाउ एवर मच यू मे ट्रेवल, यू कैन नॉट नो द वर्ल्ड, ऑप्शन डी। डैश हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन वेन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, सेक्रेसली हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन वेन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं ईडियम फ्रेजेस के, आप देखोगे इस मॉक टेस्ट को, प्लीज़ पूरा देखें, आपके लिए बेनिफिट होगा। ए पीस ऑफ केक क्या होता है, ईडियम फ्रेजेस में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो ए पीस ऑफ केक होता है ए टास्क दैट कैन बी accomplished वेरी इजीली, यानी कि बहुत ही आसान जो कार्य होता है वो। रेज समबडीज हैकल्स, टू प्रिपेयर समबडी फॉर ए टफ एनकाउंटर, टू ब्राइब समबडी, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू समवन इन नीड, या टू annoy समवन। रेज समबडीज हैकल्स का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, तो यहाँ पर हो गया एक तरह से टू annoy समवन। Hedge one's bets to prepare for an examination, to reduce the risk of making a mistake by keeping one's options open, option C to plan one's career, या option D to pluck up courage to propose to somebody for marriage। तो hedge one's bets का मतलब होता है option B, to reduce the risk of making a mistake by keeping one's options open। Bring home the bacon का क्या होता है, जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। और अब यहाँ पर मैंने कुछ आपको इनमें से चारों ऑप्शनों में से एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ट है, आपको वही वर्ड देखना है जो करेक्टली स्पेल्ट है। तो सबसे पहले बटालियन है, बटालियन का आप देखो स्पेलिंग है जो वो यहाँ पर क्या सही होगी, वो होगी ऑप्शन सी। इसके बाद कैलेंडर की ऑप्शन ए और ऑप्शन ये दोनों ही सही लिखी हुई हैं। इग्नोमिनियस की जो स्पेलिंग है वो है सही है, जो इग्नोमिनियस ऑप्शन डी, जिसका मतलब होता है अपमानपूर्ण, ठीक है। और सॉफर का है जो वो है ऑप्शन ए, यानी कि चालक या ड्राइवर, ठीक है, ऑप्शन ए ये करेक्टली स्पेल्ड है। अगेंस्ट ईडियम फ्रेजेस के दो तीन क्वेश्चन और हैं। सिंस थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल, यू नीड नॉट डू एनीथिंग टू रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, एजिटेट अगेंस्ट, अपसेट द बैलेंस, कंस्पायर अगेंस्ट, या क्रिएट डिफिकल्टीज। तो रॉक द बोट मतलब होगा ऑप्शन डी, क्रिएटेड डिफिकल्टीज। ही इज कट आउट फॉर ए सेलर,
ही इज कट आउट फॉर ए सेलर, ही इज नॉट सुटेबल, लुक्स लाइक, स्पेशली फिटेड टू बी, या बिहेविंग लाइक. ही इज कट आउट फॉर ए सेलर मीन्स स्पेशली फिटेड टू बी. ओल्ड पार्टी वर्कर्स हैव एडवाइज द प्रेजिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर ए वाइल. तो यहाँ पर बताना है टेक इट लाइंग डाउन फॉर ए वाइल में क्या होगा, जो होगा बी केयरफुल, टेक रेस्ट, बी ऑन द डिफेंसिव, या सो नो रिएक्शन. टेक इट लाइंग डाउन का होगा सो नो रिएक्शन. ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव नाउ. ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव नाउ तो होगा डीपली, कंप्लीटली. एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दो तीन क्वेश्चन है. एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक तो ये होता है विंडफॉल. विंडफॉल का होता है एक तरह से छप्पड़ फाड़ के जब आपको कहते हैं कि कुछ मिले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक. ए क्योर फॉर ऑल डिसीजेज, सभी बीमारियों के लिए एक इलाज, यानी कि रामबाण तो क्या होता है, पेनेशिया. ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ड, ऑप्शन बी एलेजी. एवर सिंस द डेथ ऑफ हिज मदर माई फ्रेंड इज अटरली फॉरलॉन एंड रेच्ड. तो जहाँ जो इसमें बोल्ड वर्ड है उसका मतलब बताना है. तो एवर सिंस द डेथ ऑफ हिज मदर माई फ्रेंड इज अटरली फॉरलॉन एंड रेच्ड. फॉरलॉन का मतलब होगा फ्रस्ट्रेटेड, निराश होना. नॉर्थ कोरिया हैज बीन परसुइंग ए क्लैंडेस्टीन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम. क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है जो काम चुपके से किया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सीक्रेटिव. इन एन अटेम्प्ट टू मिटिगेट द सीवियरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट ही प्लीडेड गिल्टी टू द चार्ज. तो मिटिगेट का मतलब होता है एक तरह से कम करना, यानी कि ऑप्शन डी लेसन. आज के मॉक टेस्ट में मैंने आपके साथ इतने क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगेन आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.